क्या आप जानना चाहते हैं विदेश की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको 100% FMG रिजल्ट प्रोवाइड करती है? क्या आप जानना चाहते हैं विदेश में भारतीय छात्रों के लिए सबसे टॉप रेटेड QS वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी है? क्या आप जानना चाहते हैं विदेशों में सबसे अच्छा रहने की व्यवस्था, एकोमोडेशन फैसिलिटी, सबसे कम खर्च में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि विदेश में सबसे डिसिप्लिन अनुशासन वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में। मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं विदेश की एक सबसे अच्छी और एक बजट यूनिवर्सिटी के बारे में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITCS स्टडी अब्रॉड सर्विसेज में। मैं छत्रधारी मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज बैंक। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि विश्व में उसका वर्ल्ड रैंक 347 है। जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का FMG जो कि इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम है, उसका पासिंग रेशियो पूरा 100% है। इसका मतलब जितने बच्चे ने एग्जाम दिया इस यूनिवर्सिटी से पास होकर, पूरे के पूरे एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर किया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक नामी गिरामी बेस्ट डिसिप्लिन अनुशासन वाले यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां आपने एडमिशन लिया वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, पढ़ाई करना। और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप समझ लो कि पूरे 6 साल आप वहां टिक नहीं सकते। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि रशिया फेडरेशन में है। रशिया अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है सदियों से। इस यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर कंट्री का रहने का जो खर्च है, खाने का जो खर्च है, भारत के ही जैसा है। इसका जो करेंसी है वो भी भारत के बराबर ही है। तो ओवरऑल ये जो यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इसमें एक बजटेड यूनिवर्सिटी हम इसको कह सकते हैं। भारतीय रुपया में अगर बात किया जाए तो 4.5 लाख प्रतिवर्ष आपको इसके ट्यूशन फी लगते हैं। पूरे खर्च की मैं अगर बात करूं, पूरे 6 साल के पढ़ने का, आने जाने का, खाने का, रहने का अपना अलग से खर्चा, तो लगभग 30 से 32 लाख रुपए आपको लगने जा रहे हैं, जो कि इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की सबसे खासियत क्या है, ये एक सिर्फ पढ़ाने का संस्था नहीं है, ये इस पर्टिकुलर कंट्री का एक रिसर्च सेंटर भी है। आपने दोस्तों सुना होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में, जो कि रशियन फेडरेशन में डेवलप किया गया। ये वैक्सीन बेसिकली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी और द मॉस्को स्टेट फर्स्ट यूनिवर्सिटी, इन दोनों के रिसर्च वर्क को मिला करके बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना 1804 में हुआ था। वो अभी से अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो 200 से ज्यादा साल पुराना यूनिवर्सिटी। आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हो, इसके फैसिलिटीज के बारे में सोच सकते हो, यहाँ के रिसर्च के बारे में सोच सकते हो, यहाँ के फैकल्टीज के एक्सपीरियंस के बारे में सोच सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। इस यूनिवर्सिटी में अभी आज के डेट में 45,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से 8,000 बच्चा इंटरनेशनल्स के हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो कि दूसरे दूसरे देश से आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 98 देशों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन जगह होगी जहाँ की पूरे विश्व के बच्चे आकर के पढ़ना चाहते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये रशिया के चौथा बड़ा शहर कजान में
कजान में बैठा हुआ है, कजान में एस्टैब्लिश्ड है। ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये कजान सिटी के कैपिटल पार्ट, हम कजान, कजान के जो मैं बताऊं उसको सिटी सेंटर, जो सेंटर प्लेस होता है उस जगह पे है। और जैसे जैसे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होने लगा वैसे ही सिटी भी बढ़ने लगा। इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी बात है, ये पूरे आपके 6 साल की जो पढ़ाई है पूरा इंग्लिश मीडियम में कराती है। ये यूनिवर्सिटी आपको 100% FMG पासिंग रेशियो प्रोवाइड कराती है। ये यूनिवर्सिटी आपको 100% NMC के जो गैजेट्स हैं, NMC का जो नया रूल आया हुआ है उसको कवर करती है कंप्लीटली। अगर आपने NMC का गैजेट पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि मिनिमम आपको 54 मंथ्स की स्टडी करनी होती है मेडिकल डिपार्टमेंट। यहाँ तो पूरे 5 साल आपको मेडिकल पढ़ाया जाएगा, 1 साल आपको इंटर्नशिप करना है, वो इंटर्नशिप भी आपको इस यूनिवर्सिटी में कराई जाएगी। इसके अलावा वहाँ के बच्चे, मतलब जो रशिया के बच्चे हैं, वो जिस तरह से वहाँ लाइसेंस लेते हैं वही तरीका विदेश के बच्चे से भारतीयों के लिए भी होनी चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा पैटर्न वैसा ही फॉलो किया जाता है। तो हम आपको एक पूरा पॉइंट के साथ बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये पूरे के पूरे NMC गैजेट्स को फॉलो करता है। तो आप जब भविष्य में वहाँ से पढ़ाई करके वापिस आएंगे उस पर्टिकुलर टाइम में आपको यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं सोचा जाता, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको खेल कूद के लिए, एथलेटिक्स के लिए, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, सब चीज की बेहतरीन व्यवस्था है। आपने अगर सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, तो रशिया में वो कंडक्ट कराया गया था, उसमें से बहुत सारे जो मैचेस हैं वो इसी पर्टिकुलर सिटी में कराया गया। कजान अपने आप में एक रिसर्च प्लेस है, कजान अपने आप में एक स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का प्लेस है, कजान अपने आप में एक रशियन का ओल्ड कल्चर को रखने वाला जगह है। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो आपको मैंने अभी बताया स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीन के बारे में। आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत सारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी रिसर्च। इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं इसके एकेडमिक्स के बारे में बात कर रहा था, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में 687 काइंड्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम है। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत बेसिकली 13 इंस्टीट्यूट आते हैं, 3 हाई स्कूल्स आते हैं, इसका 2 रीजनल ऑफिसेस है, और सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं यहां तो मोर देन 4000 से भी ज्यादा पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। और यहां विदेशों से भी प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है, 157 विदेशों से बुलाए हुए प्रोफेसर्स यहां पे पढ़ाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, जितनी ये यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने सुने हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना ही उतना मुश्किल है। यहां एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपका नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, आपको 12th के PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और आपका जो 12th है वो किसी भी तरह का ओपन स्कूलिंग से नहीं होनी चाहिए, ये बोर्ड से ही होनी चाहिए, स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से ही होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज फेमस है, अगर कोई बच्चा पूरे 6 साल यहाँ रह करके पढ़ना चाहता है तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो अपने रेपुटेशन, एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अगर बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करने के लिए 3 अटेम्प्ट मिलता है,
अगर इस 3 अटेम्प्ट में आपने पास नहीं किया तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सीधा सीधा आपको रिस्ट्रिक्शंस लेटर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी बच्चा अगर चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ध्यान रखे, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, दूसरा किसी भी तरह की एक्टिविटी इस यूनिवर्सिटी को लेकर के अगर आप सोच करके जाते हैं तो मेक श्योर आप यहां सस्टेन नहीं कर सकते हो, आप यहां 6 साल गुजार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपने पूरा 6 साल गुजार लिया, पूरी 6 साल कंप्लीट कर ली अपनी पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी के साथ, आपको अगर डिग्री मिल गया इस यूनिवर्सिटी से, तो आज तक का जो इतिहास बोलता है आप दुनिया का कोई भी मेडिकल रिलेटेड एग्जामिनेशन एक बार में पास कर जाओगे। आपको इतना वो मेहनत करने के लिए पूरे प्रोसेस और सिस्टम्स में प्लान कराते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा तो ही जाकर के आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, और यहां से निकलने के बाद आप जरूर से एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन करके ही निकलोगे। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स भी निकले हैं जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट्स में, जो कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स हर जगह पे आपको मिल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो सबसे एक अच्छी बात जो हम लोगों ने बार बार बात किया भी अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में, यहाँ का जो एकोमोडेशन फैसिलिटी है वो 5 सितारा होटल की जैसा है, और ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेती, 700 रुपया भारतीय रुपया में पर मंथ आपको अपने देश में भी नहीं मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें टॉप प्रायोरिटी में मेंटेन की जाती है। कोई भी बाहर से आकर के कभी भी आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं जा सकते, फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, कार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइजेशन कराया जाता है, फिर आप अंदर जा सकते हो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में ये अपने आप में ही एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बायोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट सेपरेट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट सेपरेट है, बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट सेपरेट्स हैं, इसके प्रैक्टिकल करने के लिए सिमुलेशन लैब ये सेपरेट्स हैं, पूरा यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं ये थ्रू आउट द सिटीज में फैले हुए हैं। आपको अगर डिटेल में देखना है, जानना है, तो आप यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वीडियो है हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक के साथ शेयर करेंगे, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अपने आप में एक बहुत बेहतरीन जगह है। आपको जैसे मैंने बताया ये जो यूनिवर्सिटी है जो हॉस्टल प्रोवाइड कराती है वो अपने आप में एक बेहतरीन हॉस्टल है, लेकिन इस हॉस्टल में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, रहने के लिए पूरे 6 साल, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। ITCS हम लोग आपको पहले साल में ये हॉस्टल तो दिला सकते हैं, लेकिन अगला साल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। कैसे? यहाँ पर हर बच्चे के अगेंस्ट में पॉइंट्स कैलकुलेट किया जाता है, आप वहाँ के क्लीनिंग एक्टिविटीज में, आप वहाँ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हॉस्टल मैनेजमेंट के द्वारा आयोजित किए हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं, इन सब बातों पे डिसाइड होकर के हॉस्टल मैनेजमेंट आपके लिए पॉइंट्स असाइन करती है। आप अपने रूम को कितना साफ सुथरा ढंग से रखते हैं, यूनिवर्सिटी का जो भी एसेट्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, एसी है, फैन है, प्रॉपर किचन है, वॉशरूम है, आपने किसी तरह का कोई क्षति नहीं पहुंचाया, उसको साफ सुथरा अच्छे से मेंटेन करके रखा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल मैनेजमेंट पॉइंट्स देती है। और अगर आप इस पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंगली लेकर के आते हो तो ही आपको अगला साल हॉस्टल मिलेगा। पहला साल तो मैं आपको दिला दूंगा, लेकिन अगला साल आपको मिलता है कि नहीं मिलता है यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसका कि वर्ल्ड रैंक 347 है, आप भी एडमिशन पा सकते हैं, और उसके लिए क्या करना है आपको हमारे साथ बात करना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, हमारे साथ डिस्कशन करें,
पूरा इंफॉर्मेशन आपको जितने भी इससे समझ में आई या कुछ चीजें नहीं भी समझ में आई तो हम लोगों से बात करें और उसको समझें। इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम मई मंथ से शुरू हो जाता है। ऐसे मैंने आपको बताया कि टोटल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओनली 40-50 सीट्स ही है, इंटरनेशनल टोटल 90 सीट्स है। तो पूरे सिर्फ इंडियंस को ही ये लोग नहीं लेते, मिक्स होता है, अलग अलग कंट्री के बच्चे आते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने ITCS को कॉन्टेक्ट किया और ITCS के साथ इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में प्रोसीड किए तो 100% आपको इस यूनिवर्सिटी में हम लोग सीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपको करना है, वो तो मैं नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम वो आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए ITCS आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको पास करना है तो ही सीट कन्फर्म होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। होप आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैंने बात किया, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसका कि रैंक 347 है, जो कि 100% FMG पासिंग रेशियो प्रोवाइड करता है, बेस्ट एकोमोडेशन फैसिलिटी देती है, बेस्ट डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है। आप इस वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि ऐसे ही और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानने के लिए मिलेंगे।